लाल चौक परिसर में चोरी हुई दुपहिया वाहन का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी सौरभ उर्फ खतिया सुधाकर पाटिल से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने दो गाड़ी चोरी होने की बात कबूल की है, जिसके आधार पर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी के पास से 1,75,000 का माल जब्त किया है। रविवार को फरियादी महिला अन्नपूर्णा अशोक आम्बेडकर अपने वाहन क्रमांक MH49AN4550 में सवार होकर कमाल चौक पर दिनेश मेडिकल के बाजू में कुछ सामान लेने हेतु गाड़ी खड़ी कर दी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों पर वापस आने पर उसे वहां पर उसकी गाड़ी नदारद दिखी, जिसकी जानकारी उसने तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँच कर दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान सौरभ उर्फ खतिया सुधाकर पाटिल को इसी नंबर की गाड़ी में घूमते हुए दिखाई देने पर हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसने एक नहीं बल्कि दो गाड़ियों को चुराने की बात कबूल की। ऐसी जानकारी पांचपावली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंढे इन्होंने इनबीसीएन को दी। दिनांक 20/11/22 रोजी सकाळी 8:30 ते 12 वाजता दरम्यान येथील फिर्यादी अन्नपूर्णा अशोक आंबटकर राहणार शोभाखेत पाचपावली यांनी त्यांच्याकडील वाहन MH49AN4550 4550 या क्रमांकाची गाडी कमाल चौक येथे दिनेश मेडिकल स्टोअरच्या बाजूला पार्क केलेली होती। काही वेळानंतर त्या जेव्हा आल्या तेव्हा त्यांना त्या ठिकाणी त्यांची गाडी मिळून आली नाही, म्हणून त्यांनी पोलीस स्टेशनला कोणीतरी अज्ञात चोराने ती गाड़ी चोरून नेल्याची तक्रार दिली होती। आम्ही तत्काळ गुन्हा दाखल करून आमच्या तपास पथकाला आदेश दिले होते की सदर गाडीबाबत गाडीचा गुन्हा उघडकीस आला पाहिजे असे आम्ही आदेश दिले होते। त्या अनुषंगाने तपास पथक पेट्रोलिंग करत असताना एक संशयित इसम सौरभ उर्फ खट्या सुधाकर पाटील व 19 वर्षे राहणार इंदोरा पोलीस स्टेशन जरीपटका हा त्याच्या ताब्यात नमूद क्रमांकाची गाडी घेऊन जाताना दिसला। त्यास ताब्यात घेऊन विचारपूस केली तर तो उडवाडवीची उत्तरं देत होता, त्यामुळे त्याला सखोल त्याच्याकडे चौकशी केली तेव्हा त्यांनी सदरची गाडी कमाल चौकातून चोरल्याचे कबूल केले। त्याचा PCR घेऊन परत त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी दुसरी एक गाडी MH40CL5512 ही ज्युपिटर मेकिंगची गाडी आहे, ती सुद्धा गाडी त्यांनी चोरल्याचे कबूल केले। दोन्ही गाड्या सदर आरोपीकडून जप्त करून 1,75,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। आरोपीला काल आम्ही न्यायालयात पुन्हा सादर केल्यावर न्यायालयाने त्याला MCR जेल दाखल केलेले आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक रहमत शेख हे करत आहेत। गौरतलब रहे कि पहले तो आरोपी टाल मटोल रवैया अपनाने लगा था, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सारी बात कबूल कर ली। आखिरकार उसे चोरी हुए दो टू व्हीलर गाड़ियों सहित 1,75,000 का माल जब्त कर उसे जेल रवाना किया गया है। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।